ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने परवान पर है। ऐसे में सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। बात करें भाजपा के चुनाव प्रचार की, तो भाजपा के चुनावी अभियान को लेकर सियासी चर्चा यह है कि पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान दो धारी तलवार पर है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह जहां प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार उत्तर प्रदेश में किए गए विकास की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी का डिजिटल प्रचार अयोध्या, काशी, मथुरा और भगवा के आसपास ही अटका हुआ है। पार्टी ने प्रचार के लिए कई गाने तैयार किए हैं, जिसमें एक गाना जो मनोज तिवारी ने गाया, उसके बोल मंदिर और भगवा रंग के आसपास पर टिके हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जाहिर है इन गानों का मकसद बहुसंख्यक हिंदू आबादी को उद्वेलित करके ध्रुवीकरण का प्रयास करना है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रचार में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि भाजपा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी तरफ पार्टी का चुनाव प्रचार विकास के नाम पर नहीं हो रहा है। पार्टी का प्रचार अयोध्या, काशी, मथुरा और भगवा के नाम पर ही हो रहा है। पार्टी ने प्रचार के लिए जो गीत तैयार कराए, उनमें एक गीत पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने गाया है, जिसके बोल है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर यह गाना आधारित है और इसे बजा बजा कर भाजपा की ओर से लोगों से वोट मांगा जा रहा है। इस गाने के जरिए यूपी की तमाम विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा गया है। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने रैलियों पर तो रोक लगा दी है, लेकिन भाजपा ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने विधानसभा चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए एक गाना बनाया। मनोज तिवारी की पकड़ पूर्वांचल में काफी है, ऐसे में उनका गाना मंदिर बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस गाने में मनोज तिवारी के साथ दूसरे गायक कन्हैया मित्तल है, जिन्होंने अपना एक अलग गाना बनाया है, जिसे उन्होंने एक टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में गाया। उस गाने के बोल है कि जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। इस गाने में आगे कहा जा रहा है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजा देंगे। भाजपा का एक तीसरा गाना काशी और भगवान शिव को लेकर है, जिसके बोल है, डमरू जब बजने लगेगा तब देखना नजारा क्या होगा। मनोज तिवारी के अलावा गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला भी उत्तर प्रदेश के विकास का जिक्र करते हुए यूपी में सब्बा गाना लॉन्च कर चुके हैं। यूपी में सब्बा, एमआई, यूपी में सब्बा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जाहिर है इन गानों का मकसद बहुसंख्यक हिंदू आबादी को उद्वेलित करके ध्रुवीकरण का प्रयास करना है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।